यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 39। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 39। फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिनी हाथ से गिरा दूंगा। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इसराइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तू खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं मागोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मैं अपनी प्रजा इसराइल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इसराइल का पवित्र हूं। यह घटना हुआ चाहती है और वह हो जाएगी, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। तब इसराइल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगा लगाकर जला देंगे ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बर्छे, सबको वे 7 वर्ष तक चलाते रहेंगे और इसके कारण वे मैदान में लकड़ी न बिनेंगे न जंगल में काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों को ही जलाया करेंगे। वे अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने छीनने वालों से छीनेंगे, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मैं गोग को इसराइल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। वह ताल की पूर्व ओर होगा, वह आने जाने वालों की तराई कहलाएगी और आने जाने वालों को वहां रुकना पड़ेगा। वहां सब भीड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और उस स्थान का नाम गोग की भीड़ की तराई पड़ेगा। इसराइल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा ताकि अपने देश को शुद्ध करे। देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे जो निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात देश में घूम घाम कर आने जाने वालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हो मिट्टी देंगे और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ ढूंढ कर यह काम करते रहेंगे। और देश में आने जाने वालों में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेंगे। यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उसे गोग की भीड़ की तराई में गाड़ न दे। वहां के नगर का नाम भी हमोना है। यो देश शुद्ध किया जाएगा। फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे पास इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इसराइल के पहाड़ों पर करता हूं। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लोहू पियो। तुम शूरवीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लोहू पियोगे और मेंढों, मेमनों, बकरों और बैलों का भी, जो सबके सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। और मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं तुम खाते खाते अघा जाओगे और उसका लोहू पीते पीते छक जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़ों, सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होंगे, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी। और मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो मैं करूंगा
और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा देख लेंगे। उस दिन से आगे इस्राएल का घराना जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, और जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि इस्राएल का घराना अपने अधर्म के कारण बंधुआई में गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा विश्वासघात किया कि मैंने अपना मुंह उनसे फेर लिया और उनको उनके बैरियों के वश कर दिया, और वे सब तलवार से मारे गए। मैंने उनकी अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मुंह फेर लिया था। इसलिए परमेश्वर यहोवा यो कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से फेर लाऊंगा और इस्राएल के सारे घराने पर दया करूंगा, और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया, वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे, और कोई उनको न डरेगा। और जब मैं उनको जाति जाति के बीच से फेर लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, और तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में न छोड़ूंगा और उनसे अपना मुंह फिर कभी न फेर लूंगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।